ठीक है। सभी लोग आ गए। सभी लोग काफी गुस्से में लग रहे हैं, क्या बात है। है ना, मुकुल प्रताप सिंह, पूनम, मुकेश, देविका, मुकुल, अनुराधा, अनीता, शिवानी, रिंकी राय, सफी अहमद, सुनील, विशाल, रेखा, रितेश, इमरान, कस्तूरी, सर्वेश, सुमन, सभी को गुड इवनिंग, शबरीन, उपेंद्र, बहुत अच्छे। बहुत हैप्पी हैं, हमेशा खुश रहिए, कुछ भी हो हमेशा खुश रहिए, कोई भी समस्या हो खुश रहिए, ठीक है ना। मूवी आप देखते हैं, मूवी में देख करके आप चीज़ें सीखते नहीं हैं, सीखनी चाहिए आपको चीज़ें कि हाँ आप जो बातें कह रहा है मूवी में। जैसे कि एक मूवी थी थ्री इडियट्स, उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहला, आपको खुश कैसे रहना है। दूसरा, सही समय पर डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है वो सब में नहीं होता, वो क्षमता कैसे डेवलप करें, कैसे तुरंत डिसीजन लें। कहते हैं कि जो मूवीज़ होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, जो चलचित्र है, मूवी है, सिनेमा है, समाज का आईना होता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही मूवीज़ भी होती हैं कि नहीं होती हैं, है ना। समाज में जो जो कुछ बीत रहा होता है, चल रहा होता है, वो हमारे साथ मूवी में दिखाते हैं उसको, है ना। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग आ गए, सभी ने वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, किया कि नहीं किया। नहीं किया तो थोड़ा समय है, कर लीजिए उसको, तब तक और लोग आ जाएं, है ना। तो मैं कह रहा था मूवी के बारे में, तो थ्रेड्स में बताया गया है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग, आपको पता है ना, सवाल जब आपको दिया जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में तो बहुत टफ सवाल नहीं रहता। जो सवाल आपके एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं हुआ है, वही सवाल आप जब घर आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हमने देखा है कई बार कि जो सवाल एग्जाम हॉल में हमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, घर में आराम सॉल्व हो रहा है। तो क्या कारण है, क्या दिक्कत है? क्या वहां पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा था? वहां पर प्रेशर होता है, दबाव होता है, तनाव होता है, तो इस कारण से हमारा दिमाग फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहा होता कभी कभी। कभी कभी एक्चुअली एग्जाम हॉल में दिमाग पूरे कैपेसिटी पर काम करता है, ज्यादातर केस में यही होता है। अगर आप पैनिक नहीं होंगे, अगर आप घबराएंगे नहीं, तो जितना दिमाग आप अभी चलाते हैं ना, उससे तेज चलेगा आपका दिमाग एग्जाम हॉल में। देखा है मैंने, झेला है मैंने, मैंने सहा है उसको, कितना तेज दिमाग चलता है पता है। यहां पर आपको जो पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं ना, वहां पर दनादन पॉइंट याद आते हैं। जहां आपको यहां पर जब कलम नहीं चल रहा होता, रुक रहा होता है, वहां पर दनादन कलम चलता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, रियल हैं। आप जब मेंस एग्ज़ाम देंगे, आप जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे अभी, तो देखिएगा आप भी यही सब जो चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे, आप समझेंगे, है ना। चलिए, सभी लोग आ गए। देविका, आपको देख के लाइक करना भूल गए। अरे ये कौन सा बहाना है यार, सही में बताओ, तुम लोग को सही में लाइव क्लास ज़्यादा अच्छा लगता है क्या रिकॉर्डिंग से? मतलब क्या क्या समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है, बढ़िया, सब लोग आ गए। हाँ, एक बात और, आज लाइट का बहुत समस्या था, तो अभी देख रहे हो पसीना पसीना थोड़ा सा, तो लाइट नहीं थी। अभी कुछ देर पहले लाइट आई है, और अभी अगर लाइट चली जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो क्लास बंद हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से, लाइव अच्छा है, आपको याद करेंगे तो नहीं आएगा प्रेशर। अच्छा, हिंदी में कंटेंट, प्रणाम, आपको भी प्रणाम।
कोई बात नहीं, अभी शुरू ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, लाइव क्लास लाइव क्लास लाइव क्लास लाइव क्लास। सर अच्छा लगता है आपकी स्माइल। अरे तुम हंसवा सोचो, अगर मैं पागल होता तो कितने लोग खुश होते यार, कि चलो ये पगलू दिन भर हंस रहा है है ना। असीम सुख की प्राप्ति होती है लाइव क्लास में, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चैट करने में मजा आता है सभी को। हाँ, यह बात बोले तुम, सभी को चैट करने में मजा आता है यार, हद है ना। बिल्कुल, रिकॉर्ड में मजा आता है ना। तो चलिए, हमारा सवाल था GS4 का, इथिक्स का। हमें सबसे जो ज्यादा जवाब मिले हैं वो मिले हैं कि हम पढ़ें कैसे, हमको समझ में नहीं आता कि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है क्या। सिंपल सी बात है, अगर आप गूगल पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट UPSC सर्च करते, जरा करके दिखाइए ना सर, देखिए, अगर आप सिंपल सा UPSC में गूगल पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर्च करके UPSC लिखते तो आपको ढेर सारा वेबसाइट मिल जाता है ना। आयस बाबा का है, इनसाइट का है आपका, इन सब का आपको मिल जाता है ना। आप आराम से जो वीडियो भी है वो सब भी देख सकते थे कि क्या होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आराम से आप आंसर लिख लेते। जैसे कि GK Today का एक आर्टिकल है यहाँ पे कि कैसे हम इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, तो ये आपको छोटा सर्कल मिल गया यहाँ पे, इसको नोट्स बना लो पढ़ पढ़ के। तो इस तरह से आपको गूगल का इस्तेमाल करना है। टॉपर जो बोलता है ना कि मैंने अपनी पढ़ाई गूगल से सर्च कर की है, उसका मतलब यही होता है कि जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आराम से आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, है ना। गूगल पे सर्च कर लो, क्या नहीं मिलता। अच्छा, आप लोग में से अधिकांश लोग कहते हैं कि सर हमको पेपर नहीं मिलता विजन का, तो विजन का पेपर कैसे नहीं मिलता जी, जो टेलीग्राम चैनल इतना सारा, सभी लोग पेपर बांटते रहते हैं विजन का, है ना। हाँ, कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए इथिक्स के लिए। तो देखो, इथिक्स के लिए केवल आपको दो चीज़ चाहिए, ध्यान से देखना, इथिक्स के लिए केवल दो चीज़, पूरा GS4 के लिए इतना ही पढ़ना है। एक आपका है लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन आपका हिंदी में भी आता है, समझ गए, ये आपका हिंदी में भी आता है तो इसको पढ़ लेना। और एक आपका है ARC का 4th रिपोर्ट, पतला सा है एकदम, कितना पन्ना होगा जी, इसमें पेज नहीं लिखा हुआ है मगर इतना पतला है ना, इतना पतला है। तो यहाँ पे, अरे ये जो घड़ी है ना, घड़ी का बेल्ट, इसका बस डबल है, इतना पतला है, ठीक है। तो इसमें करीब वही 35 पेज करीब होगा, 30-35 पेज करीब। तो आपको बस यही पढ़ना है ना, दो चीज़ें। इसमें लिखा हुआ है कि जो करप्शन है, एक्चुअली ये सेकंड ARC का जो 4th रिपोर्ट है ना, उसका समरी है, ठीक है। इसका PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, टेलीग्राम चैनल ओपन करना, फाइल में जाना और उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो आपको बस यही दो चीज़ें पढ़नी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, केवल ये और यही पढ़ना है GS4 के लिए। इसके बाद आपको केवल आंसर राइटिंग करनी है, ठीक, कोई दिक्कत है। चलिए, तो यहां पर आपका जो सवाल था वो था कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इससे आप क्या समझते हैं, हाउ कैन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक सर्विस बी रिजॉल्व्ड। तो यहां पर सवाल के दो भाग हैं, पहला ये जो कन्फ्लिक्ट है उसका मतलब क्या है, और दूसरा कह रहा है कि इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, पब्लिक सर्विस में हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हितों का टकराव, इंसान का हित होता है दो तरह का, एक होता है उसका प्राइवेट हित, प्राइवेट हित मतलब कि उसका पर्सनल हित, दूसरा होता है पब्लिक हित, पब्लिक हित का मतलब होता है जनता का हित, क्या सर, जनता का हित होता है। आपको DM के रूप में अपॉइंट किया गया है एक जिले में, DM अगर जनता के हित में काम करेगा तो अच्छी बात है, मगर DM साहब घूस लेकर के काम करें तो अच्छा नहीं ना है। अगर DM साहब घूस लेकर के काम कर रहे हैं, घूस लेकर के टेंडर बांट रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है, उनका जो प्राइवेट हित है वो तो सध रहा है, उनको पैसा मिल रहा है करप्शन से,
तो उनका जो प्राइवेट हित है ये तो फुलफिल हो रहा है, उनको मजा आ रहा है, मगर जो पब्लिक हित है, जनता का हित है, ये तो सफर कर रहा है, इसको तो समस्या हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? अरे जो कुर्सी अच्छी क्वालिटी का मिल सकता था उतने ही दाम में हमको कुर्सी खराब क्वालिटी का मिला, क्योंकि डीएम साहब ने घूस खाया, है ना? तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। दूसरा बात, अगर किसी डीएम साहब को कोई अपॉइंटमेंट करना है, कोई नियुक्ति करना है, तो डीएम साहब अगर अपने किसी परिवार के किसी जन को अपॉइंट कर दें तो भी यहाँ पर समस्या की बात है, है ना? आपने कोई बढ़िया व्यक्ति, कोई एजुकेटेड क्वालिफाइड व्यक्ति को देखे बगैर आपने अपने घर वाले को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, तो इससे जनता का हित खराब हुआ, है ना? जनता को उससे बढ़िया भी मिल सकता था सेवा करने के लिए, है ना? तो यहां पर ये होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी भाषा में, अगर आपका पब्लिक ड्यूटी, अगर आपका पब्लिक ड्यूटी या फिर जनता का हित अगर टकरा रहा है आपके प्राइवेट हित से, आपके निजी हित से, जिससे, ध्यान सुनना, केवल टकराना काफी नहीं है, टकराने के बाद आपका जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो प्रभावित हो रहा है। केवल टकरा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, टकराने से अगर मेरी ड्यूटी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तब समस्या है। समझ गए बात? समझ गए ना? कोई दिक्कत है यहां पे? ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे जनता में ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अगर डीएम साहब घूस लेकर के खराब कुर्सी खरीद लिए ठेकेदार से, तो जनता क्या कहेगा खराब कुर्सी देख करके? ए, इतना खराब कुर्सी खरीदा है, टूट जाएगा बैठते ही, पक्का डीएम साहब ने घूस खाया है। दूसरा, अगर डीएम साहब अपने साले साहब को अपॉइंट कर दें, किसी और को अपॉइंट कर दें, तो क्या बोलेगा जनता कि पक्का डीएम साहब ने यहां पर धांधली करी है, अपने आदमी को अपॉइंट कर दिया है, है ना? तो न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, यह सबसे जरूरी है। समझ रहे हो? यहां पर जो जस्टिस है, यहां पर सही काम है, केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, तभी जनता में भरोसा जागता है कि हाँ न्याय मिला है, हाँ अच्छा काम हुआ है। समझ रहे बात? ठीक है ना? आज ट्रांसलेट करने का टाइम नहीं मिला। अरे 9:45 बजे तो लाइट आई है, 8:45 पर तो लाइट आया है, तो कैसे ट्रांसलेट करता? इतनी देर में मैंने लेक्चर बना दिया, वो तो बहुत है, वरना आज गोल ही हो जाता, समस्या हो जाती। यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक मोरल इशू है, ना कि एक लीगल इशू। ये एक लीगल इशू नहीं है, मतलब कि अगर आपका हित टकराता है तो इससे कोई लीगल समस्या नहीं होगी। चूंकि कोई लीगल समस्या नहीं होगी, इसीलिए लोग इसका फायदा उठाते हैं, अफसर इसको धुआंधार वायलेट करते हैं। समझ रहे बात? हितों को टकराव जब होता है तो वो अपने पर्सनल हित की ओर ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पकड़ा गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर करप्शन के केस में पकड़ाए तब समस्या होगी। GS4 में आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आप जितने ज़्यादा उदाहरण देंगे आपको उतना ज़्यादा अंक मिलेगा। जैसे कि दिल्ली में MLA को अपॉइंट कर दिया गया था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में। यहाँ पर क्या है कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट है कि MLA ये पार्ट है लेजिस्लेचर का, ये पार्ट है किसका? विधायिका का। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है ये पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यकारिणी का, है ना? तो एग्जीक्यूटिव वाले आदमी को तुम, लेजिस्लेटिव वाले आदमी को तुम एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दे रहे हो। समस्या की बात है कि नहीं? हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ बैलेंसिंग ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर, विधायिका हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मतलब लेजिस्लेचर वाला आदमी को अगर तुम जॉब दे दोगे एग्जीक्यूटिव में तो उसको कभी कंट्रोल करेगा? अगर दिल्ली विधानसभा के किसी व्यक्ति को केजरीवाल साहब ने अपॉइंट कर दिया तो क्या वो केजरीवाल साहब के खिलाफ एक्शन लेगा? नहीं लेगा।
क्योंकि उन्होंने इसको अपॉइंट किया है, सिंपल सी बात है ना, क्लियर है, बढ़िया बात, यहां तक समझ में आया, समझे यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक के? सर नमस्ते, बड़े मुश्किल से मिला आपका चैनल शिखा को अच्छा बस नाम सर्च करते ना मिल जाता। तो यहां पे ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है चंदा कोचर जी का, सिंपल सा, सबसे बड़ा केस तो यही है, आईसीआईसीआई बैंक वाले जो चंदा कोचर जी हैं उनका केस, उनके कारण ही तो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, और इस पर एक सवाल काफी एक्सपेक्टेड है। अच्छा अगर कोई कहे ना कि इस पर सवाल पक्का आएगा, नहीं मानना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा यूपीए से जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ हम कह सकते हैं कि इसके आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल चंदा कोचर का केस है, और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव में जो हमारे सीजेआई साहब हैं, अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोस्ट क्विट करते ही राज्यसभा का सदस्यता ले लिए थे, याद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होते ही वो बन गए राज्यसभा के एमपी। तो यहां पर वो न्यायपालिका से विधायिका में चले गए, है ना। तो यहां पर कहा जाता है कि एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए था बीच में, मतलब कुछ साल रुक करके जाना चाहिए था, इतनी जल्दी क्या थी, समझ के बात। एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, मान लो कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी जो है उसका मालिक कौन है, अंबानी साहब, उनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, तो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होने के कारण वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं पद पे। उन्होंने अपने बेटे को, अपने दामाद को, किसी को भी उन्होंने अपॉइंट कर दिया अपने पद पे, अपने कंपनी के पद पे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर उन्होंने जो अपना हित है वो देखा, अपने घर का हित देखा। अगर उन्होंने शेयर होल्डर का हित देखा होता, अगर उन्होंने शेयर धारकों का हित देखा होता, तो वो सीईओ के पद पर किसी लायक व्यक्ति को बिठाते। हाँ हो सकता है कि उनका बेटा लायक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर यहां पर टैलेंट देखना पहले जरूरी है, रिश्ता बाद में, समझ बात। हो सकता है कि उनके घर वाले भी मतलब काफी क्वालिफाइड हो, अच्छी बात है, मगर रिश्ता नहीं देखना है, पहले क्वालिफिकेशन देखना है कि हाँ आप उस लायक हैं कि नहीं, समझ के बात। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। यहां पर एक जज है, एक जज के पास एक केस आया है जहां पर उस केस में उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति शामिल है। जज के पास एक केस आया है, उस केस में उस जज का कोई रिलेटिव शामिल है। जज क्या चाहेगा कि उसका जो रिलेटिव है उसके पक्ष में फैसला जाए। क्या जज यहां पर सही से न्याय कर पाएगा, क्या जज यहां पर इम्पार्शियल न्याय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो यहां पर उसका पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट दोनों टकरा रहा है। उसका पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि न्याय होना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिले। उसका प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है, उसका निजी हित ये है कि उसका जो रिलेटिव है वो केस जीत जाए, है ना। तो यहां पे जो आपका समस्या है वहां पर उसका दोनों का हित टकरा रहा है। जितने भी एग्जाम्पल हैं सब नोट्स बनाते चलना, ये जो आप एग्जाम्पल हैं, जितना आप एग्जाम्पल अपने आंसर में लिखेंगे आपको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, है ना। चलो अब यहां पर ये जो कन्फ्लिक्ट है, हितों का टकराव है, वो उठता कैसे है, समस्या आती कैसे है। समस्या आती है दो तरह से आपके, कई तरह से। पहला पर्सनल और प्रोफेशनल। अगर आपका पर्सनल ड्यूटी, अगर आपका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से टकराता है ना, मान लो कि डीएम साहब को कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठेका देना है, अब ठेके के लिए जो आया है टेंडर उसमें उनके साला साहब भी हैं, तो क्या होगा, डीएम साहब क्या चाहेंगे कि ठेका जो है वो जो है साले साहब उनको मिले। तो यहां पर उनका जो पर्सनल हित है वो टकरा रहा है उनके प्राइवेट हित से। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
डीएम साहब को डीएम का जिम्मेदारी के अलावा एक काम और दिया गया जो उनके पहले के हित से टकरा रहा था। ठीक है, मान लो कि एक जज को ये दे दिया गया ड्यूटी कि तुम जजों की सैलरी तय करो, जज की सैलरी तय करो। अब वो आदमी खुद जज है, वो क्या चाहेगा कि जज को मैक्सिमम सैलरी मिले, तो क्या ये ठीक है? नहीं। सबसे रियल एग्जांपल है हमारे जो एमपी साहब हैं वो खुद अपनी सैलरी तय करते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ना लोकसभा राज्यसभा के, वो खुद अपनी सैलरी तय करते हैं, लॉ पास कर दिया अपना सैलरी बढ़वा लिया, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है ना? बढ़िया। दूसरा है कन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेम बात, अगर डीएम साहब को दो अलग अलग संस्था में अपॉइंट कर दिया गया है तो समस्या की बात है। मान लो कि डीएम साहब को अपॉइंट किया गया है ट्राई में, या फिर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ट्राई में, नहीं छोड़ो, मान लो किसी रिलायंस के आदमी को अपॉइंट किया गया है ट्राई में। ट्राई करता क्या है? ये टेलीकॉम रेगुलेटर है, ये क्या चाहता है कि जनता का हित सर्वोपरि रहे। मगर जो रिलायंस का आदमी आया है इसमें, जो एयरटेल का आदमी आया है इसमें, वो क्या चाहेगा कि कंपनी का हित ऊपर रहे। तो यहाँ पर अलग अलग संस्था का मेंबर होने के कारण उनके कन्फ्लिक्ट में टकराव होता है। एक बात और, कई बार हमारे डीएम साहब, हमारे जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो एनजीओ में वॉलेंटियर करते हैं, वो एनजीओ का मेंबर बनना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं। अब एनजीओ का एक काम, जैसे कि सरकार का एक काम और है, एनजीओ को एक्रेडिशन प्रोवाइड करना। एक्रेडिशन का मतलब ये होता है कि उनको रेटिंग प्रोवाइड करना कि हाँ ये एनजीओ कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या नहीं। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम रेटिंग देंगे बढ़िया, रेटिंग देंगे बढ़िया तो वो फंडिंग उसको अच्छा मिलेगा। अब डीएम साहब जुड़े हुए हैं किसी संस्था से, किसी एनजीओ से, तो क्या चाहेगा डीएम साहब कि उसको अच्छा रेटिंग मिले। जिस आदमी को रेटिंग देने का काम दिया गया है वो खुद एक एनजीओ का मेंबर है, तो ये क्या चाहेगा कि जिसका वो मेंबर है उसको अच्छा रेटिंग मिले। तो क्या यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा? क्या वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में करें क्या, ऐसी स्थिति में करें क्या? अगर हितों का टकराव हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करें? सबसे बढ़िया जो है उपाय वो ये है, जिसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करो, कुछ ऐसा करो कि आपके हित टकराए ही ना। क्या करें? हित टकराए ही ना। ठीक है, पहला तो कोशिश तुम ये करो। दूसरा कोशिश करो कि अगर टकरा गया तो क्या करो, किनारे से निकल जाओ। जैसे कि वो जज वाला केस था, अगर जज के पास उसके किसी संबंधी का केस आ गया तो क्या करेगा जज? जज अपने आप को उस केस से रिक्यूज कर लेगा, उस केस से अपने आप को हटा लेगा। वो जा करके डिक्लेयर कर देगा कि नहीं, ये जो केस है इसमें मेरा पर्सनल हित शामिल है, इसीलिए मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा, कोई और न्यायाधीश आकर के इस केस की सुनवाई करे। समझ गए? ठीक ना। तो यहां पर किनारे से निकलना मतलब यह होता है कि अपने आप को उस कन्फ्लिक्ट से दूर कर लेना। समझ गए बात? मान लो कि डीएम साहब टेंडर निकाल रहे हैं, साले साहब भी हैं, तो साले साहब को बोल दो कि नहीं तुम टेंडर फाइल मत करो, इशू खड़ा हो जाएगा, है ना? तो ये काम हम कर सकते हैं। बढ़िया। दूसरा है कन्फ्लिक्ट को कोडिफाई कर दो कि कहाँ कहाँ पर आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है और किसे किसे हम कन्फ्लिक्ट मानेंगे,
काफी सब्जेक्टिव टर्म है, इसका अपना अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो निकल सकता है, इसकी अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है। तो पहले हम क्यों ना लिख दें कि अगर ये काम होगा तो हम उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे, है ना। तो इन कन्फ्लिक्ट को कोडिफाई कर दीजिए, उसको लिख दीजिए डॉक्यूमेंट में। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए। अगर जनता को मालूम रहे कि डीएम साहब जो टेंडर निकालने वाले हैं वहां पर साले साहब भी फाइल कर रहे हैं, अगर यहां पर पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे तो क्या यहां पर कोई धांधली होगी? नहीं होगी। जो लोवेस्ट बिडर होगा, जिसने सबसे कम पैसा मांगा होगा, ठेका उसको मिलेगा, चाहे वो ठेकेदार साले साहब हो चाहे वो कोई और हो। तो जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी वहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, समझ गए बात। तो यहां पर कोई भी जो आपका परिचित है अगर वहां पर हो तो उसको फायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, आपका जो हित है उसको पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए। आपका जो हित है पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं जो कुर्सी मंगवा रहा हूं उसको सप्लाई करने वाला आदमी मेरा कोई परिचित है, है ना। तो पहले से पता होगा तो क्या होगा, लोग आपको हटा करके किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं वहां पे। तो आप पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आप झेल रहे हैं। अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप हितों का टकराव झेल रहे भी हैं तब भी आप डिक्लेयर करके बाहर आ सकते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई थी, पहले हमें डिक्लेयर करना चाहिए था, मगर अब हम गलती समझ गए हैं, हम अब बाहर आना चाहते हैं इस पोस्ट से, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी। ये तो आदमी के इथिक्स पर डिपेंड करता है, क्या करता है, आदमी कैसा है, अफसर कैसा है। अफसर अगर ईमानदार हो तो चाहे कोई भी आए, चाहे वो उसका अपना परिचित हो, चाहे वो उसका कोई भी हो, वो काम करेगा पूरा ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि वो जनता के हित में ही काम करेगा, समझ गए बात, है ना। तो यहां पर अगर इंसान ऑब्जेक्टिव है, अगर इंसान में इंटीग्रिटी बाकी है तो वो काम करेगा आराम से। अगला है, रिड्यूस डिस्क्रेशन एंड कोडिफाई प्रोसीजर। डिसीजन मतलब क्या होता है, आपको जो इंडिपेंडेंस दिया गया है डिसीजन मेकिंग में उसको कम कीजिए। मतलब कि ये डीएम साहब के हाथ में नहीं होना चाहिए कि हम किसको देंगे ठेका, ये ऑटोमेटिक मशीन के हाथ में होना चाहिए। मशीन अपने आप देख लेगा कि किसने सबसे कम पैसा मांगा है, सबसे कम पैसा कोट किया है, उसको दे दो ठेका, समझ रहे हो। तो डीएम साहब का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, तो डीएम साहब का जो डिस्क्रेशन है वो खत्म कर दो, ठीक है। और जो नॉन डिस्क्लोजर है, डीएम साहब ने अगर पहले नहीं बताया है अपना हित का टकराव तो उनको पनिशमेंट दो कि आपने क्यों नहीं बताया, आपसे गलती कैसे हो गई। एक बिल पड़ा हुआ है पेंडिंग में, प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो बिल है इसमें कार्यकारिणी का, विधायिका का और जो आपका न्यायपालिका है, तीनों जो अंग हैं उससे डील किया गया है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस बिल को पास करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, इस बिल को हमें पास करने की जरूरत है, समझ गए। अगला क्या है आपका, अगला है कूलिंग ऑफ पीरियड। इसमें यह कहा गया है कि मान लो कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, मान लो कि हमारा जो CJI है इनको बनना था राज्यसभा का MP, तो पहले ही बता देते कि हमको बनना है राज्यसभा का MP, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो यहां पर जो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड है वो होना चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए ताकि धांधली का वहां पर वो चांस ही ना हो, है ना, धांधली का वहां पर चांस ही ना हो। और देखते रहिए कि डीएम साहब का या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल का इंटरेस्ट कहाँ पे है, उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है, उनको कहाँ कहाँ ब्याज है, कहाँ कहाँ उसका कॉन्टैक्ट है, समझ गए। तो यहाँ पर इन सब काम के जरिए आप जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप दूर कर सकते हैं, समझ गए, उनको आप दूर कर सकते हैं, बढ़िया बात। अब करना क्या है आपको, मैं सवाल देता हूँ आज, क्या आज का आपका सवाल है,
यूपीएससी मेंस का जो पेपर वन है, जीएस वन है ना, जीएस वन का जो पहला सवाल है वो कर लेना। जीएस वन का जो पहला सवाल है वो शायद मथुरा वाले पर होगा, मथुरा और गांधार वाले पर होगा, उस सवाल को कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल का क्वेश्चन। वो सवाल मैं आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो ध्यान से उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, अभी करेंगे क्या कि अभी हम लगातार अपना यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सवाल आता कैसा है हमारे मेंस में। समझ गए? तो 20 क्वेश्चन हो गया जीएस वन का, 20 क्वेश्चन हो गया जीएस टू का, 20 जीएस थ्री का और 20 हो गया जीएस फोर का। ठीक है ना, अब सर ऐसा तो आप 20 दुना 40 दुना 80, 80 दिन आप पेपर डिस्कस करते रह जाएंगे। नहीं, हम कम समय लेंगे, हो सकता है कि हम एक दिन में दो वीडियो डाल दें, है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं। समझ गए बात? सर ये आंसर 150 वर्ड का है? नहीं, ये आंसर 150 वर्ड का नहीं है, ये आपको 150 वर्ड में लिखना है। अगर मैं आपको 150 वर्ड ही बताऊंगा तो आप इस 150 में से केवल 50 वर्ड याद रखेंगे, है ना। अगर मैं आपको 500 वर्ड बताऊंगा ना, तब जाके आप 200 वर्ड, 150 वर्ड याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर ज़्यादा देते हैं आपको नॉलेज, ज़्यादा पॉइंट देते हैं, उनमें से कुछ तो याद रख ही लोगे। समझ गए? ठीक है ना, हाँ बढ़िया बात। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। लाइव ही चाहिए क्या? क्या क्या चाहते हो, लाइव ही चाहिए बताओ। क्या हाँ चॉकलेट चाहिए इनकी अपनी अलग प्रायोरिटी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसा हम लोग करते हैं। सर आप लाइव नहीं होते हैं तो लगता है आप वीडियो डाल के घूमने चले गए, तो उससे तुम्हें क्या मतलब है? अरे मैं घूमने जाऊं, फुकचा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं, तुम्हें क्या मतलब है उससे? तुम किसी को खुश नहीं देख सकते? हे भगवान। ठीक है ना, तो चलो यहां पर सर अब आप कॉपी नहीं दिखाते, कॉपी दिखा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, कॉपी दिखा देंगे। ठीक है ना, टॉपिक तो वैसा आए ना, वो सवाल तो आए। ठीक है ना, तो चलो हम लोग मिलते हैं अब 5 बजे सुबह में। यार ये बताओ तुम लोग 5 बजे वाले वीडियो शेयर नहीं करते क्या? व्यूज कम कैसे हैं इतने? यार तुम कहते हो कि ये पढ़ाओ सर, वो पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, तुम कुछ करते वरते हो नहीं हमारे लिए। ताले कहाँ से बजती है कुछ करोगे तभी ना कुछ मिलेगा, ऐसे थोड़े। ठीक है चलो, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।